के सुन लियो, ये जितने भी यूट्यूबर जोगिंदर को रोस्ट मार रहे हैं यूट्यूब पे जाके, तुम्हें पता थारा भाई जोगिंदर कौन है? नहीं। जो तुम्हारे स्कूल का हेडमास्टर है ना, उनके बच्चे भी अपने पापा को ये बोलता है, यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। हो गए बकचोदे, चल अब देने वाला रही पता। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। तो भैया, अब तक आपने जिंदगी में कई कार्टून कैरेक्टर्स देखे होंगे, चाहे वो पोगो पे हो या कार्टून नेटवर्क, निक डिज्नी हंगामा या फिर कहीं और। बट आज मैं आपको सोशल मीडिया पे क्या ऐसे जीते जागते सांस लेने वाले इंसान रूपी कार्टून कैरेक्टर से मिलवाने वाला हूँ, जो रिश्ते में तो दूर दूर तक हिंदुस्तानी भाव का कुछ भी नहीं लगता, मगर फिर भी वो कार में बैठकर बकचोदी बिग बॉस के होस्ट सलमान खान जैसे ही पिल लेता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? तो इस कार्टून का नाम है जोगिंदर, बोले तो AKA थारा भाई जोगिंदर। और हमारे भाई के पास बेसुमार टैलेंट और खाली दिमाग के अलावा ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? गुड मॉर्निंग गाइस, मेरे पास कुछ और काम नहीं है, बस घूमना है, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनानी है, सारे दिन घूमना है, हवाबाजी दिखानी है, लोगों की फाड़नी है, बस यही काम बचा जिंदगी में। क्या बात करते हैं यार। तो चलो ना, आज हम इस बंदे के कुछ वीडियोस का पोस्टमार्टम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि खाली दिमाग, जेब में पैसे और जुबान हिलाते ही मुंह से हगने वाले के वीडियो में आखिर अपने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की कितनी क्षमता है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर खाएगा आज मूली के परांठे, इतने परांठे खाऊंगा किसी ने सोची नहीं होगी। अबे ओ, जली हुई बीड़ी के जमीन पे गिरे हुए राख, तोतले पहले ठीक से बोलना सीख ले, परांठे नहीं पराठे। और मैं तुझसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई तू इतने मूली के पराठे खा लियो कि जब तू अपने ही छोड़े हुए गैस को सूंघे तो तेरी आत्मा तेरे गांड के रास्ते स्वर्गलोक निकल पड़े। गजब बेइज्जती है भाई, गर्मी इतनी हो रही है, मेरी टाट सुन हो गई आज धूप के कारण, चक्कर आके गिर गया रोड पे। थारा भाई जोगिंदर लिया है सरसों का तेल। जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतनी मालिश करेगा अपने टाट की इस तेल की, किसी ने सोची नहीं होगी। अबे चूतिए, तुझसे कहा था कि भांग भोसड़ा का थोड़ा कम इस्तेमाल किया कर, और अगर सस्ता नशा करना ही है तो ब्रेड में सुबह शाम आयोडेक्स लगाकर खाया कर, और ये सरसों तेल टाट पे नहीं अपने टट्टो पे लगा लिया कर, क्योंकि जैसे बिना सर पैर वाले तू वीडियो बनाता है ना, उसके लिए टाट का नहीं तेरे टट्टो का शार्प होना जरूरी है। अगर जोगिंदर की औकात चेक करनी हो ना, तो एक बार घर आके मुलाकात जरूर कर लेना, औकात भी बता देंगे और वो मुलाकात में अपना सिस्टम भी दिखा देंगे। क्या बोला तूने? अपना सिस्टम भी दिखा देंगे। क्या तू अपना सिस्टम दिखाएगा? अबे चूतिए, तू हमें भी अपने जैसा ठरकी समझाए क्या, जो घर बुलाकर औकात के नाम पे लोगों का सिस्टम चेक करेगा? तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? भाई पेपर आने वाले हैं और मैंने एक दिन भी बुक खोल के नहीं देखी पूरे लॉकडाउन के अंदर। जो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतनी चिटिंग मारेगा पेपर में, इतनी फर्री ले आएगा भर भर के, किसी ने सोची ना होगी। बिल्कुल सही कहा तूने, परीक्षा विभाग वाले तेरे ससुराल से जो ठहरे, तू चीटिंग करेगा और वो तेरा मुंह ताकेंगे। अबे ओ अकल के अंधे गधे की गांड, अगर तुझे मालूम ना हो तो मैं तुझे बता दूं कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है मेरे भाई। अगर तुझ में ढेले भर के भी अकल होती ना, तो तू आज B4 बकचोदी नहीं, B4 बिजनेस कर रहा होता। नॉनसेंस। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर आज इतने बर्गर खाएगा किसी ने सोची नहीं होगी। देख भैया, तू चाहे जितने भी बर्गर खा ले उससे झांटा किसी को फर्क नहीं पड़ता, मगर स्वैग के चक्कर में जिस तरीके से तू अपने नाजुक दिल पे मारे जा रहा है, उससे हमें ये तो मालूम पड़ गया कि तू भोसड़ी के जरूर हार्ट अटैक से मरेगा। आज मम्मी को सरप्राइज दूंगा, आज आ गया खेत में धनिया तोड़ने। जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतना धनिया तोड़ेगा। तो भैया मैं बता दूं, ये बंदा ऊपर वाले के बनाए सभी डिफेक्टिव माल में से एक है, क्योंकि जब भगवान जी लाइन में खड़े सभी लोगों को बुद्धि बांट रहे थे, तब ये बंदा लाइन से परे हटकर पड़ोस के खेत में जाकर धनिया चुरा रहा था। भाई मैं कैसा लग रहा हूं? यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतने गुच मार देगा छाती में, इतने घुसंड मार दूंगा छाती में, किसी ने सोची नहीं होगी। तेरा क्या बोला तूने? पहले मुझे लगता था कि चूतिया पंथी के मामले में इन महान आत्माओं को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता, मगर मैं गलत था। जैसे ही मेरी मुलाकात थारा भाई जोगिंदर से हुई तो मैं समझ गया, जैसे कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है, वैसे ही समाज को छपरी मुक्त करने के लिए टिकटॉक की तरह इंस्टाग्राम को बैन करने की भी जरूरत है। भाई से कुछ ज्यादा नहीं हो गया? भाई वो मामा का छोरा है छोटे वाले का, इसको बनाऊंगा टेम्पो ड्राइवर। हट रहे, ये बीच वाले मामा का छोरा है, इसको बनाऊंगा कंडक्टर। अरे मेरी मौसी का छोरा है, इसको बनाऊंगा चोर इंटरनेशनल। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
अरे वकील साहब, ऐसे लोगों का जन्म नहीं होता, बल्कि साक्षात समाज में इनका उद्घाटन किया जाता है, क्योंकि घर परिवार समाज के लिए वैसे भी ये बोझ है, और ऐसे बिना सर पैर वाली वीडियोस बनाकर हर दिन ये देश को थोड़ा थोड़ा बदनाम भी करते हैं। जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर बनेगा ड्राइवर, हैवी ड्राइवर बन जाएगा। भाई वीडियो बनाने के लिए आया था, ये खंबा दिख गया, इस खंबे को मैं बेचना चाहता हूँ 50 रुपए में, अगर किसी को खरीदना हो तो मैसेज कर देना। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इतने सारे खंबे पाड़ पाड़ के बेच देगा, खेत के मालिक ने सोची ना होगी। देख रे भाई, तुझे अपने लाली लिपस्टिक और पार्लर का खर्चा निकालने के लिए ऐसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुझे जितना भी डोनेशन चाहिए मैं देगा, बस तुझसे मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इसे बेचने के बजाय इस खंबे को अपनी गांड में डाल ले। भाई आज मटर पनीर की सब्जी खाने का मन कर रहा था, मम्मी बोली जोगिंदर बेटा जाके पनीर लिया और मटर लिया। जो जोगिंदर थरा भाई जोगिंदर इस खेत में से इतनी पनीर पाड़ लेगा, इतनी पनीर पाड़ के ले जाएगा, मम्मी ने सोची ना होगी। अबे गधे, ऊपर वाले ने जो दिमाग दिया है कभी थोड़ा तो उसका इस्तेमाल कर लिया कर, और जरा ध्यान रखियो कहीं खेत खंगाले के चक्कर में खुद की टट्टी अपने हाथों में ना लग जाए। ये वीडियो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अबे गांडू, तेरी कौन सी एक्स है बे, भ्रम में मत रहियो, आज हाय बोलकर रिप्लाई में दूसरे दिन भाई सुनकर लड़की को ब्लॉक कर देने से वो तेरी एक्स नहीं हो जाती। अरे लड़की तो छोड़, तेरी बकचोद हरकत देखकर तेरे घर वालों को भी कभी कभी शक होता है कि ये नाला एक अपना है या हॉस्पिटल में बदल गया। ओ काचोदा भाई, ये टाटा स्काई अपने घर की छत पे लगाओ, एक नंबर का नेटवर्क पाओ। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इतने टाटा स्काई लगा देगा, इतने टाटा स्काई लगा देगा, किसी ने सोची ना होगी। वाह क्या बात है, ये देखकर आज मेरी आंखें भर आई, क्योंकि आज से 6 महीने पहले हमारा लौंडा सब्जी मंडी में काम किया करता था। अरे गले से आवाज निकलना तो छोड़ो, साला कॉन्फिडेंस तो ये अपने गांड में कहीं दबाए घूमता था, मगर आज देखो बातों में कॉन्फिडेंस, आंखों में चमक और फेस में इतना ग्लो झलक रहा है कि आज अपना लौंडा बिना पेमेंट के ही टाटा स्काई में काम करता है। आई एम सॉरी बाबू। सुखे यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर आज 50 अंडे खाएगा, इतने अंडे खा जाऊंगा, इतने अंडे खा जाऊंगा, किसी ना सोची ना होगी। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर 50 अंडे खाने के बाद तू हग्गी जरूर पहन लियो, वरना कल सुबह तू इतना हकता फिरेगा कि उठकर बाथरूम तक जाने के लिए भी तुझे कहीं एम्बुलेंस की जरूरत ना पड़ जाए। भाई हम 3 चूते कैसे लग रहे हैं? अब हम क्या बताएं, ये तुम ही डिसाइड कर लो, क्योंकि इस दुनिया में 2 तरह के लोग पाए जाते हैं, पहले वो जो खुद पे जोक मार के जमाने को हंसाते हैं, और दूसरे वो जो अपना पैंट उतार कर जमाने के आगे उल्टे खड़े हो जाते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ये बहुत से भाइयों का कमेंट आता है, जोगिंदर तू क्या है, क्या करता है, मैं बताऊं क्या, ये देख गाड़ी देख रहा है, फोन दिखाइए एक बार, ये फोन देख रहा है, ब्रांड है जोगिंदर, वीडियो मजाक की बनाता हूँ, हल्के में मत लेना, कभी मुलाकात करना औकात बता देगा जोगिंदर अपनी औकात क्या है। अबे चूतिया, आजकल ऐसी गाड़ियां और आईफोन, सोशल मीडिया पे तेरे जैसा हर दूसरा छपरी माँ के कंगन और बाप के इज्जत लाला के पास गिरवी रखकर ऐसी ही उधार वाली जिंदगी जी रहा है, तो चिल कर, हम ना तुझे सीरियस लेते हैं और ना ही तेरे वाहियात वीडियोस को। भैया जी आप तो भैया आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और मुझे लगता है जोगिंदर भाई के लिए मेरे तरफ से इतनी तारीफें काफी है, एंड आई होप आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा, तो अपना प्यार दिखाओ और एक लाइक करके जाओ यार, एंड सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, कर दो यार। यो यो सोनू, यो यो सो नो, बट यार मुझसे नहीं हो रहा।